और अब हम लोग को निकलना है बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन करने, और उसके बाद निकलेंगे पोखरा। तो अपना सारा बिल वगैरह पेड हो गया है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। भैया को पहचान ही रहे हैं, लुम्बिनी गेस्ट हाउस, पशुपति लुम्बिनी गेस्ट हाउस। ये की रही अपनी गाड़ी, और अब हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में, निकलेंगे। दीदी भाई सब लोग रेडी हैं, तो अब चलते हैं। ये मेरा तो दोस्तों निकल गए हैं अपने गेस्ट हाउस से, और अब देखिए ये सफर शुरू हो रहा है अपना। तो दोस्तों बूढ़ा नीलकंठ के मुख्य द्वार यही है, अब हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा नीलकंठ दर्शन के लिए। तो अभी हम आ गए बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन के लिए। यहाँ पे ये पार्किंग है, और चूंकि फोर व्हील पार्किंग का जगह पीछे था, तो हम अपनी कार को पीछे पार्क कर दिए हैं, और अब चलते हैं अभी हम लोग बूढ़ा नीलकंठ दर्शन के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे विष्णु भगवान कैसे जल के बीच में सोए हुए हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अपना दर्शन हो गया है, और दोस्तों नेपाल के हर मंदिर के जैसे बूढ़ा नीलकंठ में भी फोटो लेना एकदम प्रतिबंधित है, लेकिन हम यहाँ पे फोटो लिए हैं जो आप सब देख सकते हैं। ये फोटो खींचना सख्त मना है दोस्तों, तो फोटो बिल्कुल भी नहीं लेना है आप लोग। जब मित्रों अभी हम हैं बूढ़ा नीलकंठ के प्रधान पुजारी आमोद ढाकाल जी के सामने, और तो चलिए बात करते हैं कि पुजारी जी से। नमस्कार जी। ये हरिहर भगवान बूढ़ा नीलकंठ, मतलब बहुत लोग समझते हैं कि भगवान शिव जी का मंदिर होगा, हम भी वही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हरिहर भगवान है। हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शिव, ये दोनों का संयुक्त स्वरूप है। देखने में विष्णु जैसे लगते हैं, अगर हम लोग मूर्ति को गौर से दर्शन करें तो बाजुओं में नाक का गहना पहने हुए हैं, चार हाथ मध्य तीन हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, एक हाथ में भस्म का गोला लिए हुए हैं। इसलिए ये विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। नीलकंठ नाम इसलिए रहा कि जैसे देखने में विष्णु जैसे लगने की वजह से, अगर विष्णु का नाम होता तो शिव जी का कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान के अनुग्रह से, भगवान की इच्छा से इनका नाम नीलकंठ रह गया। ये बहुत प्राचीन है, ये द्वापर युग का है ऐसा माना जाता है, और ये स्वयंभू है, स्वयं प्राकट है, किसी के द्वारा हथौड़ा लगा करके छेना लगा करके इसका मूर्ति बनाया, कारीगर के द्वारा निर्मित है। लोगों की क्या क्या मन्नत पूरी होती है, लोग का क्या मान्यता है? यहाँ पर बूढ़ा नीलकंठ भगवान भक्तों का सभी मन्नतें पूरा करते हैं, विशेष करके धनधान्य वृद्धि, क्योंकि लक्ष्मी का वास है, भगवान नारायण का स्थान है, भगवान नारायण शयन कर रहे हैं तो धनधान्य प्राप्ति होती है, व्यापार व्यवसाय वृद्धि होती है, संपूर्ण मनोकामनाएं रोग व्याध हरण हो जाते हैं। कितने लोग शारीरिक रोग से पीड़ित होकर यहाँ आकर के ठीक करके होकर के चल जाते हैं। तो दोस्तों हो गई अपनी पूजा अर्चना, और यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो गई। तो आप सब देख सकते हैं, अभी एक बार हम ना करते हैं मंदिर की परिक्रमा, और आपको चारों तरफ से दिखलाते हैं कि भाई
तो देखिए दादाजी बाबू को ना वो पहना रहे हैं हाथ में बाला पहना रहे, कितने प्यारा बच्चा है। और देखिए आज ये ना पहला बार अन्न का एक दाना खाया है, तो देखिए ये कि जैसे यहाँ पर नाग का विशेषता है, नाग का विशेष आराधना होता है यहाँ पर, भगवान भी नाग में शयन किए हुए हैं और एक नाग भगवान के सिर से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर नाग वो बौद्ध लोग नाग भगवान को विशेष मानते हैं। और आज उन लोग का नाग का अच्छा दिन है, नाग पूजन का, नाग का पूजा पूजन के लिए उनके हिसाब से अच्छा दिन है बौद्धिस्ट लोगों के लिए, इसलिए आज पूजन के लिए वो आते हैं। बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग आते रहते हैं, इसे तो बौद्धिस्ट हिंदू हिंदू एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं, फिर भी यहाँ पर विशेष करके बौद्धिस्ट लोग आते रहते हैं। अब हम निकलते हैं मंदिर से बाहर और देखिए ये भैया जी कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मंदिर तो, बहुत ही बढ़िया मंदिर है दीदी है, और थैंक यू आप कहते हैं इधर आया नहीं मैंने आपको, हाँ हम फर्स्ट टाइम। तो दीदी बूढ़ा नीलकंठ सर्च करके बोली कि चलना है, एक्चुअल में हम भी सब जगह लगभग घूम पाए हैं, लेकिन क्या बात होता है ना, धार्मिक जगहों पे जब तक आपका बुलावा नहीं होता है नहीं। आप नहीं आ पाओगे, तो हमारे यहाँ का बुलावा नहीं था। जो द्वार है वहां से हम निकल गए हैं बाहर और ये सामने लगी हुई है अपनी छुटकी और हम लोग चलेंगे, पूरा सामान वामान पैक है आप लोग देख सकते हैं, और ये है एग्जिट गेट। तो दोस्तों चल रहे हैं हम लोग यहाँ, ये मुख्य द्वार है देख सकते हैं बूढ़ा। तो अब यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे। तो दोस्तों नीलकंठ रुद्रेश्वर चौक आ गए हैं और यहाँ पे खाएंगे हम लोग सादा खाना, सुबह जाने के टाइम में देखे थे ये होटल, तो हम लोग यहाँ। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, क्योंकि हम तो भाई रोटी नहीं खाते हैं, तो हमारा खाना आ गया है और रोटी बन रहा है दीदी भैया लोगों के लिए, तो हम तो जल्दी से खाते हैं क्योंकि बहुत जोर की लगी हुई है हमको भूख। अब दीदी भैया लोग खा रहे हैं खाना, हम लोग ना खाना वाना खा लिए, खर्चा बस से साफ हो रहा है, तो खाना करते हैं। थाली का है 140, जितना खाओ खाते खाते थक जाओ, पेट भर के खाओ 140 मतलब आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं ना, 90 रुपए से भी कम में भरपेट खाना, वो भी अपने घर जैसा एकदम सारा चीज फ्रेश फ्रेश, अब मत पूछो कितना टेस्टी ये खाना खिलाते हैं, तो इसलिए तो इनको खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते इनके पास आए हैं। थैंक यू। ये एड्रेस क्या है इसका, एग्जैक्ट लोकेशन? ये नारायण रुद्रेश्वर चौक बूढ़ा नीलकंठ। ओके, तो दोस्तों आप लोग एकदम अपने घर जैसा खाना खाने के लिए जब कभी भी आए बूढ़ा नीलकंठ, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, बहुत मजा आएगा और लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, सीताराम खाजा घर। तो अब चलते हैं यहाँ। तो दोस्तों पोखरा के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं, खाना पीना अच्छे से खा लिए, काफी बढ़िया खाना था यहाँ का, तो आप लोग जब कभी आए तो यहाँ भोजन जरूर करें, बहुत अच्छे और बहुत फैमिलियर लोग हैं ये लोग। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।